दूध बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, गाय को सुई नहीं लगनी चाहिए, और ताकि हमारे नाम की बदनामी ना हो। चाय वाले वगैरह आकर दूध ले जाते थे, लेकिन वो दूध का उचित कीमत नहीं देते। दूसरा समस्या है गर्भाधान का। अगर कोई इसको चलाना चाहते हैं तो उन्हें मैं सही है, इन बच्चों को चाहे वह बाछा हो या बाछी, मैं एक समान दूध पिलाता हूँ और एक समान सेवा देता हूँ। मैं उसमें गेहूं और मकई का दर्रा रहता है, उसका दलिया तैयार करता हूँ जिसे सिझाया जाता है, और ये मुझे लगभग 2.5 से 3 हजार पैसे का तेल देना पड़ता है। कितना दिन तक वो दूध बेचने से पनीर बनाने में घाटा है? घाटा 8 लीटर दूध मिनिमम, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होगा, ऐसे शुरू करें वो ऑटोमेटिक विश्वास बनते जाएगा और डेयरी उनका फैलते चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ बिहार की राजधानी पटना कुम्हरार में, और आप हमारे जो पीछे डेयरी फार्म देख रहे हैं ये पिछले 5 सालों से संचालित हो रहा है, और इसकी शुरुआत होने की भी कहानी काफी रोचक है जो कि हम यहाँ के ऑनर से जानेंगे। और काफी जबरदस्त मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कम जगह में शहर के बीचों बीच में डेयरी फार्म को मैनेज किया जा रहा है। तो कैसे मैनेज किया जा रहा है, कितना मुनाफा हो रहा है, क्या इनको दे रहे हैं खाने के लिए, दूध कहाँ से लाता है, आखिर इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, शुरुआत में क्या परेशानियां हुई थी, बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आप यहां से देख सकते हैं जितनी भी पशु है सारी की सारी क्रॉस ब्रीड में है, और जानकारी काफी जबरदस्त है जो कि जो इसको संचालित करने वाले हैं वो रिटायर्ड शिक्षक हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, पूरी पूरी जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए हम सर से बात करेंगे और पूरी पूरी जानकारी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। थैंक यू। आप अपना परिचय बता दीजिएगा और ये फार्म आपका कहाँ पर है ये आप बता दीजिएगा सर। मेरा नाम श्याम सुंदर प्रसाद है, मैं रिटायर सेकेंडरी हेडमास्टर हूँ रहा हूँ। मैं हाई स्कूल तारापुर प्लस टू विद्यालय से सेवानिवृत्त हुआ और मैं वर्तमान में कुम्हरार वृंदावन कॉलोनी में रहता हूँ, और यह मेरा डेयरी कुम्हरार आईओसी कॉलोनी में अवस्थित है। जी जी। तो जानना चाहते हैं चाचा जी हम आपसे कि आपने डेयरी की शुरुआत आखिर एक शिक्षक से निवृत्त होने के बाद, प्रधानाध्यापक से निवृत्त होने के बाद डेयरी की आपने शुरुआत क्यों कर दी है, इसके पीछे क्या कारण है? ये बड़ा ही रोचक और मजेदार कहानी है, मैं इसे कहानी ही कहता हूँ। मैं प्रारंभिक काल में जब नालंदा में शिक्षक था तो मैं अपने छोटे बच्चों को दूध पीने के लिए एक गाय रखता था। इधर 17-18 की एक छोटी सी घटना ही इसको हम कहेंगे। हुआ यूं कि मेरे बड़े लड़के देवघर में पोस्टल डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे और मेरी बड़ी बहू पोस्टेड थी पेशकार के रूप में गया में। उन लोगों का ट्रांसफर एन केन प्रकार पटना में हुआ। तो एक दिन बड़े लड़के ने कहा कि पिताजी जे मैं एक गाय रखना चाहता हूँ जिससे मुझे भी बच्चों को भी और आपको भी शुद्ध दूध मिले। तो मैं गाय के सेवन में जो परेशानियां होती थी जो मैंने महसूस किया था विगत काल में, तो मैंने कहा कि अभी इस एज में यह संभव नहीं है। तो वह इस बात से माँ को राजी करने गया तो माँ भी सहमत नहीं हुई। अंतोगत्वा वह फिर मेरे पास आया और कहा कि पिताजी जब तक आप ना कहेंगे माँ हाँ ना भरेगी। तो मैंने कहा कि जाके माँ से बोलो कि आप अगर सहमत होंगे तो पिताजी अनुमति दे देंगे। तो मैं उन्हें अनुमति दिया और मैं एक खाने के लिए और दूध पीने के लिए गाय लाया। अच्छा। हाँ, वो गाय देसी नस्ल की थी। देने वाले विनय के मित्र थे जिनका अपना डेयरी चलता था चंदमारी रोड में। अच्छा। तो वहां से उन्होंने एक गाय दी, गाय को मैंने खुद परचेज करने में था, और वो गाय कहकर दिया गया था कि ये 12 लीटर तक दूध करेगी, लेकिन मैंने उसका उचित प्रबंधन किया, उसका दूध 20 से 22 लीटर होने लगा। तो उतने दूध की खपत नहीं थी, तो मेरे किराएदार और मेरे एक यहाँ भतीजी रहती है वो दूध मांगी और उसे दूध दिया। बाद में मुझे कुछ अड़ोस पड़ोस के लोगों ने कहा कि मुझे भी दूध चाहिए, तो मैंने कहा कि मैं खाने के लिए लाया हूँ गाय, मैं दूध बिजनेस के लिए नहीं शुरू करने वाला। तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी भी टीचर है, उन्होंने बोली है कि आप दूध नहीं देंगे तो आपको भी दूध खाने नहीं देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, हम ऐसे देखने जा रहे हैं, कोई अगर स्टाफ सेवा के लिए मिल जाएगा तो मैं आपके लिए एक और गाय की व्यवस्था करूंगा। और मैं सच पूछिए तो उन्हीं की प्रेरणा से
ये धीरे धीरे डेयरी का रूप ले लिया। अच्छा अच्छा। स्टाफ भी मिल गया, दूसरी गाय भी आ गई, एक से दो, दो से दस की बात इसमें चरितार्थ होता है। अच्छा अच्छा। एक दूसरे से लोग जानने लगे और कस्टमरों की संख्या बढ़ने लगी। मेरा मोटो था जब बिजनेस का रूप लेने लगा तो मैंने अपने लड़के से कहा कि दूध की बिक्री होगी, इज्जत की बिक्री नहीं होगी। दैट मीन्स मैंने उन्हें कहा कि दूध बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, गाय को सुई नहीं लगनी चाहिए, और ताकि हमारे नाम की बदनामी ना हो, कोई ऐसा ना कहे कि सर के यहाँ ऐसा काम होता है। और तब से दो से चार, चार से दस ये गाय बढ़ते चली गई। अंतोगत्वा मैं अपने मकान के बाजू में, मेरी थोड़ी सी जमीन थी वहाँ, पाँच से दस गाय तक आई, और बाद में मुझे भाड़े पर यह जमीन लेना पड़ा, और अभी हमारे पास गाय बाछड़ा बछड़ी मिलाकर लगभग 60 पशुएं हैं। और मुझे प्रारंभिक काल में थोड़ी बहुत कठिनाई हुई, कुछ लोग पर्व में घर चले जाएं या लंबा त्योहार छुट्टी में चले जाएं तो दूध बचता था, तो चाय वाले वगैरह आकर दूध ले जाते थे, लेकिन वो दूध का उचित कीमत नहीं देते थे। बाद में तो ये इतना मेरा नाम कहिए या मेरे ऊपर लोगों का विश्वास बना कि अभी 300 लीटर से ऊपर दूध का प्रोडक्शन है, और उसमें कभी दूध घट जाता है, बचता खाने भर है, और जो दूध बचता है उसका मैं पनीर बना देता हूँ, और अपने खाने वाले कस्टमर ही पनीर ले जाते हैं। जो एक बार मेरा पनीर खाते हैं, बार बार वो पनीर खाने की इच्छा जताते हैं। जब दूध बचता है तभी कस्टमर को पनीर अवेलेबल होता है। मैं आने वाले दिनों में अपने उन भाई बंधुओं को यह संदेश देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि अगर कोई अपने को बेरोजगार समझते हैं तो इसमें मेहनत है, लगन के साथ अगर इस रोजगार को किया जाए तो एक जन सेवा के साथ साथ उनका अपना भी जीविका आराम से चल सकता है इसे। लेकिन इसमें, इस डेयरी को चलाने में दो महत्वपूर्ण कठिनाइयां मैंने महसूस किया है। एक, गाय के थन में इन्फेक्शन होना, जिसे आम भाषा में थनैला कहा जाता है। एक तरह से मैं इसमें शोध किया हूँ, और मेरे यहाँ आज तक एक भी गाय का बाट नहीं मरा है। इसमें मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि जिस दिन मुझे पता चलता है कि गाय के थन में सूजन है, उसी दिन मैं इसकी चिकित्सा प्रारंभ कर देता हूँ, और एक से दो दिन में ठीक होता है। मैंने यह महसूस किया है कि थनैला में लापरवाही अगर हुई तो गाय का बाट, जिससे दूध निकाला जाता है, वो सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है, और गाय चार बाट के जगह पर दो बाट और तीन बाट की हो जाती है। तो दूध का वैसे में प्रोडक्शन भी ख़त्म होता है, और गाय का जो उचित पैसा मिलना चाहिए बेचने पर वह भी नहीं मिलता। दूसरा समस्या है गर्भाधान का। अगर कोई इसको चलाना चाहते हैं तो उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि गायों को मिनरल, कैल्शियम, अदर विटामिन्स देते रहें और डॉक्टर के संरक्षण में रहें। यहाँ यह बात बताना अनिवार्य है कि मेरे यहाँ एक पशु चिकित्सक जो रीजनल डायरेक्टर भागलपुर से रिटायर किए हैं, वे मेरे यहाँ से दूध भी खाते हैं और मेरे गौओं को देखभाल भी करते हैं। मैं उनकी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ। उनका नाम है डॉक्टर उमेश प्रसाद। वो मेरे पास ही कुम्हरार नगीना पथ में उनका आवास है। वो लगभग प्रतिदिन आते हैं और छोटी मोटी कोई भी समस्या होती है उसका वह निदान करते हैं और उचित चिकित्सा करते हैं। जी जी। अगर आप कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। मैं जानना, जैसे मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका एरिया कितना में है। ये लगभग 4 कट्ठे में बना हुआ है। अच्छा। जिसमें गायों के लिए देखिए नाद है। जी जी। कितना बाय कितना में ये आपका होगा ये जगह? ये राउंड अबाउट करीब 80 फीट लंबा है। जी जी। और 45 फीट चौड़ा है। अच्छा अच्छा। और 4 कट्ठा थोड़ा कम हो या ज्यादा, यही एरिया है। ये भाड़े पर लिया हूँ। अभी भी भाड़े पर ही ले रखे? हाँ। ये सेट का हाइट कितना बनाए हुए? ये सेट का हाइट 12 फीट है। अच्छा अच्छा। और इसमें एक एग्जॉस्टर भी लगा हुआ है। अच्छा, जी, जी। और आप देख रहे हैं, देखिए वाटर का फवारा है। जी, जी। ये कोल्ड फवारा है। जी, जी। ये मैंने यूट्यूब पर ही सर्च करके दिल्ली से मंगवाया हूँ। अच्छा अच्छा। और ये गर्मी के दिनों में इसे चालू करता हूँ ताकि मेरी गायें सब स्वस्थ रहती है। जी, जी। मैं अपने गौशाला में क्रॉस नस्ल की गायें अधिक रखता हूँ। अच्छा, अच्छा। जो स्वास्थ्य के लिए वो ज्यादा
टॉलरेट करती है टेम्परेचर को या ठंडक को। ऐसे मेरे यहाँ देसी नस्ल फ्रीजियन जर्सी साहिवाल गिर थारपारकर हर नस्ल की गायें हैं। एक बात यहाँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि पटना में अमूमन डेयरी में बच्चे नहीं मिलते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, देखिए ये मेरा चिल्ड्रेन वार्ड है, यहाँ पर देखिए बच्चे हैं, इस ओर भी देखिए छोटे बच्चे हैं। तो ये इन बच्चों को चाहे वह बाछा हो या बाछी, मैं एक समान दूध पिलाता हूँ और एक समान सेवा देता हूँ। मैं अपने डेयरी में किसी भी बच्चे को मरने नहीं देना चाहता। लेकिन संयोग से अगर कुछ बच्चे मर भी जाते हैं तो बहुत से बच्चों को मैं गंगा में प्रवाहित किया हूँ। हालांकि ये मैं जानता हूँ, मैं ज्योग्राफी का विद्यार्थी रहा इसलिए मैं जानता हूँ कि पर्यावरण के दृष्टि से यह सही काम नहीं है। लेकिन धार्मिक गौ पालन एक धार्मिक व्यवस्था में आता है तो मैं मोक्ष प्राप्ति हेतु कुछ बच्चों को वो गंगा लाभ कराता हूँ। मैं अब मैं इस डेयरी से जन सेवा का भाव समाहित है, मुझे इस डेयरी से बहुत आनंद आता है। वो यही गाय है, ये गाय है, ये फ्रीजियन और शाहीवाल का क्रॉस है। जी, जी, जी। और इसके निकट अभी मैं जाऊं तो ये सर झुका के खड़ा हो जाएगी। इसकी क्या खासियत है? थोड़ी ये, ये, ये इसका जब बयान पर आती है तो इस गाय का दूध लगभग 30 लीटर तक जाता है। अच्छा, अच्छा। इस गाय के दूध में एक और खासियत है, इसका दूध बहुत गाढ़ा होता है। अच्छा। और ये मन की बहुत कड़ी है लेकिन मन की बहुत सच्ची है। हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, जैसे इनको डाइट में आप क्या देते हैं? हाँ देखिए, चारा में गेहूं का या जिसको नेवारी कहते हैं बिचाली कहते हैं, धान के डंठल का बनता है, और मसूर और खेसारी का भूसा, और उसमें मिश्रण के रूप में मैं मकई का दर्रा तैयार करवा के सिझा के देता हूं। उसके बाद देखिए यहाँ सुधा आहार है, यह भी पड़ता है। और तो इस मिश्रण में क्या क्या होता है चाचा जी जो पक रहा है? उसमें गेहूं और मकई का दर्रा रहता है। अच्छा, अच्छा। उसका दलिया तैयार करता हूं जिसे सिझाया जाता है। अच्छा, अच्छा। और ये बड़ा सा हौदा है, इसमें प्रति शाम लगभग 100 किलो अनाज तैयार किया जाता है गांव के देने के लिए। दोनों शाम उतना पड़ता है। अच्छा। इसमें सरसों का खल्ली, तीसी का खल्ली, मसूर का चुन्नी, उसके बाद चोकर का भी इस्तेमाल करते हैं, ये दरिया देते हैं, ये सारे चीज फूलने के लिए पड़ता है। अच्छा। पानी में ये फूलता है तब ये लगभग 500 लीटर हो जाता है। अच्छा। जो प्रति गाय को दूध के अनुसार 2 बाल्टी 4 बाल्टी सुबह शाम पड़ता है, और रात्रि में मैं बेसन पिलाता हूँ। अच्छा, बेसन पिलाते हैं? बेसन पिलाते हैं, और समय समय पर सरसों का तेल भी पिलाता हूँ। अच्छा। एक बार में मुझे लगभग 2.5 से 3 हजार पैसे का तेल देना पड़ता है। कितने दिन पर देते हैं वो? 15 दिन पर रिपीट करते हैं। गुड़ भी मैं खिलाता हूँ गाय को सप्ताह में एक बार। अच्छा। और मात्रा कितनी होती है गुड़ की? एक गाय पर 250 ग्राम के आसपास, 300 ग्राम। और ये गाय मेंटेन रहे इसके लिए कैल्शियम और मिनरल देना जरूरी है। अगर आप मिनरल देंगे तो गाय आपकी समय पर प्रेग्नेंट होगी और दूध भी सही देगी और दूध गाढ़ा निकलता है। मेरे यहाँ मेरे डेयरी से दूध ले जाने वाले घर में घी तैयार करते हैं, इसकी मलाई निकाल कर। और मैं आपको विश्वास से ये कहता हूँ कि आज 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 95 से 98% लोग मेरी सेवा से संतुष्ट हैं। और जब मैं नहीं रहता हूँ, किसी कारण से बाहर चला जाता हूँ, तो कस्टमर को डील करने मेरे छोटे लड़के आते हैं जो MBA किए हुए हैं, और वे करनाल से गायों की सेवा का ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। अच्छा, NDRI से ट्रेनिंग भी ले चुके? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा। वहाँ से, और उन्हें हल्का फल्का ट्रीटमेंट का भी ज्ञान है। तो जैसे चाचा जी कितनी अभी दुधारू पशु है आपके यहाँ, दूध वाली कितनी है? मेरे यहाँ अभी 40 से 42 गाय दूध देती है। अच्छा। और जिसमें निकलता है टोटल? टोटल 300 लीटर से ऊपर दूध। अच्छा, अच्छा। सर्विस में जाता है, यहीं से पूरा निकल जाता है? पूरा। अच्छा। इसके लिए मैं काउंटर बनाया हूँ। अच्छा। वह मैं आपको दिखा दूंगा। किस रेट से जाता है जैसे? या मैं 58 रुपीज पर केजी देता हूँ, नॉट लीटर। अच्छा। पर केजी जी। और मेरे यहाँ से पनीर जाता है वो जाता है 400 रुपए प्रति केजी। अच्छा, 1 किलो पनीर बनाने में कितना खर्चा आ जाता है? वो दूध बेचने से पनीर बनाने में घाटा है। अच्छा, घाटा है। 8 लीटर दूध मिनिमम, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करता है, 7.5 लीटर से 8.5 लीटर दूध लगता है 1 किलो पनीर निकालने। अच्छा, में अच्छा, अच्छा।
तो दूध में मुझे ज्यादा पैसा निकलता है जी, जी। और पनीर में सेवा भी जाता है और उसमें पैसा भी कमाता जी, है जी, जरूर। और एनी क्वेश्चन? बिल्कुल, अब हम जानना चाहते हैं जैसे आपसे कि क्या अगर कोई डेयरी फार्म को कर करके वो मुनाफा ले सकता है कि नहीं ले सकता? हाँ, ले सकता है। उसमें मैं उन्हें यही सलाह दूंगा, अगर आप ईमानदारी से गाय के बिना सुई लगाए हुए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर गाय को प्रॉपर खाना मिल जाए, उचित खाना मिल जाए, तो गाय आवाज देख के दूध देती है। अच्छा। मेरे यहाँ गाय को दूध के लिए इंजेक्शन नहीं लगता है और सभी गायें 9 महीने में बच्चा देती है, मेरे यहाँ 7 महीने तक दूध देती है। अच्छा। प्रेग्नेंट अवस्था में जी, जी। तो डाइट मेंटेन है। आप गायों को देख के कह सकते हैं, हमारे यहाँ बच्चिया सब 15 महीने में प्रेग्नेंट होती है। अच्छा, अच्छा। 15 से 18 महीने में बच्चिया, ये देखिए सारी बाछी, ये घर का है, तैयार हो रही है, ये देखिए छोटा छोटा बच्चा है, ये सभी मेरे यहाँ तैयार हो रहा है, सबको मैं दूध पिलाता हूँ। आइए मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं और स्टाफ रूम दिखाता हूं। तो चाचा जी, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई युवा, अभी तो बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है, अगर कोई युवा करना चाहता है तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, प्रकाश डालना है इसमें, जैसे पढ़ाई में जुनून की आवश्यकता है उसी तरह से इसमें मेहनत करना होगा, लगन से, ईमानदारी पूर्वक इसमें समय देना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। और जो स्टाफ आप रखते हैं उस पर विश्वास करना होगा। अच्छा। मैं, मेरे यहाँ 4 स्टाफ यानी 4 परिवार का पालन हो रहा जी, जी। मैं उन्हें सैलरी के साथ साथ खाना, कपड़ा लत्ता, सारी सुविधा देता हूँ। अच्छा। ये देखिए क्या स्टाफ लोग अपना जी, जी। रूम बना रखे हैं, इन सारे कार्टून में दवाएं हैं जी, जी। जो समय पड़ने पर मैं खुद उसकी सेवा देता हूं। देखिए इन दवाओं को। तो चाचा जी, आपने तो तीनों मौसम मतलब महसूस किया है 5 सालों में, कब से? 2018 से यहां से कर रहे हैं ना? हाँ, 2000। तो तीनों मौसम में सबसे ज्यादा किस मौसम में परेशानी आती है? जिसमें परेशानी गर्मी के दिनों में आता है। अच्छा। और जब अधिक ठंड करने लगता है तो ये 2 समय में थोड़ी परेशानी होती है। और क्या परेशानी आता है? ठंड से बचाने के लिए इसे ढक के रखना पड़ता है जी। ये जो बाहर अभी ओपन देख रहे हैं आप, देख सकते हैं ये इधर तालाब है 18 कट्ठे का, इसको सो कीजिए, ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा। अभी इसका पेशाब पैखाना इसी तालाब में जाता है। अच्छा, अच्छा। ये देखिए, ये जो सेट बना हुआ है, एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, गाय के मूत्र और गोबर में एंटीबायोटिक तत्व पाया जाता है। मेरे डेयरी के सराउंडिंग 100 मीटर के रेडियस में कोरोना नहीं हुआ। कोरोना नहीं हुआ यहाँ, यहाँ आजू बाजू में डेंगू का भी प्रकोप नहीं है, जबकि यहाँ गोबर और पेशाब प्रचुर मात्रा में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये औषधीय तत्व पाया जाता है गाय में, ये इससे प्रूफ होता है। ये देखिए कंटेनर है जी। इसी से दूध वितरण होता है। अच्छा। और ये वेट मशीन है जी, जी। इस पर वेट सुबह शाम यहाँ लंबी कतार लग जाती है कस्टमरों की। और ए ऑन टेबल यहाँ से मेरे यहाँ 300+ लीटर दूध सुबह शाम मिलाकर जाता है। और नौजुबकियों के लिए संदेश है, अगर ईमानदारी पूर्वक करें तो थोड़ा समय दें, तो हाँ हाँ, 2 गाय से शुरू करें, वो ऑटोमेटिक विश्वास बनते जाएगा और डेयरी उनका फैलते चला जाएगा। चलिए चाचा जी, काफी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे पशुपालक भाइयों के लिए, इससे काफी उन्हें प्रेरणा मिलेगी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए एक गाय, इसको आप जरूर देखें और लोगों को दिखाएं, ये देव गाय मानी जाती है, काली है और इसका दूध बहुत पौष्टिक होता है, इसका दही और क्रीम इससे अच्छा निकलता है। हमारे यहाँ 2 दर्शनिया गाय, जो थान बाट खूर सब कुछ उसका काला है, और उसके दूध से एक चमत्कारिक रिजल्ट आया है। एक आदमी सफरिंग टू डाई थी और उनको मैंने लगभग 6 महीने उस गाय का दूध खिलाया, आज वे बिल्कुल स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, मार्केटिंग करते हैं, ओल्ड एज रहते हुए भी वो स्वस्थ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, अपने इतनी सी जानकारी। जी, थैंक्स।